बड़े छोटे जानवर आपने दोनों ही देखे होंगे। जब भी बड़े जानवरों की बात होती है तो उसमें लोग हाथी, एनाकोंडा आदि जैसे जानवरों का ही नाम लेते हैं। आज की ये वीडियो भी बड़े और विशालकाय जानवरों पर होने वाली है, जिसमें आप जानोगे दुनिया के 10 सबसे बड़े जानवर के बारे में, जो सोच और उम्मीद से भी ज्यादा बड़े हो गए, जिसे देखने के बाद पूरी दुनिया हैरान रह गई। नंबर 1, स्नेल। आप सभी ने स्नेल नाम के छोटे से जानवर के बारे में तो सुना ही होगा। स्नेल काफी छोटे जानवर होते हैं। ये मिट्टी, पेड़, नदी और समुद्र में रहना पसंद करते हैं। अब मिलिए दुनिया के सबसे बड़े स्नेल से, जिसका नाम है अफ्रीकन जायंट स्नेल। ये स्नेल आपके हाथ जितना और आपके हाथ से भी ज्यादा बड़ा हो सकता है, जो कि आप इस वीडियो क्लिप में ही देख सकते हैं। इस स्नेल का साइज 39 सेंटीमीटर यानी कि 1 फीट 3 इंचेस तक का होता है, और आप इस स्नेल का वजन जानकर हैरान रह जाओगे। इस एक स्नेल का वजन 1 किलो तक का हो सकता है। सच में ये काफी विशालकाय और भारी भरकम होता है। मुझे नहीं लगता है आप में से किसी ने भी इससे ज्यादा बड़ा स्नेल अपनी पूरी जिंदगी में देखा होगा। नंबर 2, सेंटीपीड। आप सभी ने इस डरावने से दिखने वाले जीव को कभी ना कभी देखा ही होगा, या फिर इसके बारे में सुना तो जरूर होगा। इसे सेंटीपीड बोला जाता है और इनकी बनावट काफी डरावनी है। वैसे तो ये काफी छोटे होते हैं, पर अब आप दुनिया के सबसे बड़े सेंटीपीड को देखने वाले हैं, तो ये देखिए। इस सेंटीपीड को ताइवान के एक स्टूडेंट नील चेंगली ने 2014 में लिया था। आमतौर पर सेंटीपीड 1 से 30 सेंटीमीटर बड़े होते हैं, पर ये सेंटीपीड 42 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बड़ा है, और आप देख ही सकते हो कैसे ये इसके शरीर पर चल रहा है। इसे देखकर ही पता लग जाता है कि ये कितना ज्यादा बड़ा है। ये सेंटीपीड इस लड़के के हाथ जितना लंबा है, जो कि आप इस वीडियो क्लिप में देख ही सकते हैं। और कैसे ये लड़का बिना डरे इस सेंटीपीड को अपने शरीर के ऊपर रखकर इसकी वीडियो बना रहा है। नंबर 3, किंग कोबरा। किंग कोबरा के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा। ये विश्व का सबसे लंबा जहरीला सांप बोला जाता है, जिसकी लंबाई कुछ 3.18 से 4 मीटर तक की होती है। लेकिन अब तक का सबसे लंबा किंग कोबरा स्नेक 5.8 मीटर यानी कि 19 फीट 2 इंचेस का पाया गया है, जो थाईलैंड में देखा गया था। ये आज तक का सबसे लंबा किंग कोबरा सांप था, जो कि काफी ज्यादा लंबा था। अब आप मानेंगे कि इतना जहरीला सांप असल में इंसानों से शर्माता है और इनके सामने आना पसंद नहीं करता। ये केवल तभी खतरनाक साबित होते हैं जब इन्हें छेड़ा जाए। और जिनको नहीं पता है उनके लिए बता दूं कि किंग कोबरा इंडिया का नेशनल रेप्टाइल भी है। नंबर 4, क्रोकोडाइल। 2012 में गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड ने यह ऐलान किया कि लोलोंग अब तक का लार्जेस्ट क्रोकोडाइल इन कैप्टिविटी है, जो कि 20.24 फीट लंबा था। जहां आप और मैं 5 से 6 फीट लंबे होते हैं, तो वहीं आप इस फिलिपीन के बुनावान टाउनशिप में पाए गए सेल्ट वाटर क्रोकोडाइल की 20 फीट की लंबाई का अंदाजा लगा ही सकते हैं। 20 फीट यानी कि 6.1 मीटर बड़ा विशालकाय मगरमच्छ। इससे पहले लार्जेस्ट क्रोकोडाइल 17.97 फीट का था, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया गया था। जब यह क्रोकोडाइल लोलोंग पकड़ा गया था, तब इसका वजन 1075 केजी का था, जो कि आप अंदाजा लगा ही सकते हो ये कितना ज्यादा है। इसे पकड़ने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ी थी, और इसे पकड़ने के बाद भी ये मगरमच्छ जो है बेकाबू हो गया था, जो कि आप इस वीडियो क्लिप में ही देख सकते हैं। आखिर ये कितना खतरनाक था, अब आप इसका अंदाजा इसी वीडियो क्लिप से लगा सकते हैं। इसे पकड़े जाने से पहले इसने 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। अगर इसे ना पकड़ा जाता तो ना जाने और ये कितनी जाने लेता। नंबर 5, व्हेल शार्क। जब भी समुद्री जीवों के बारे में बात हो रही हो तो शार्क का नाम हम सब के जहन में ज़रूर आता है। व्हेल शार्क अपने आप में ही एक सबसे बड़ी फिश स्पीसीज है, और ये अब तक की लार्जेस्ट लिविंग नॉन मेमेलियन वर्टिब्रेट है, जिसमें मेल्स की हाइट 26 से 30 फीट की होती है और मेल्स की हाइट 45 से 50 फीट तक की होती है। पर इन व्हेल शार्क को बिल्कुल सही से मेजर करना काफ़ी मुश्किल होता है। आज तक की सबसे बड़ी व्हेल शार्क की लंबाई 18.8 मीटर्स यानी कि 62 फीट की थी, जो कि काफ़ी बड़ी है। व्हेल शार्क के फीचर्स बाकी आम शार्क से काफ़ी अलग भी होते हैं। एक व्हेल शार्क में छोटे छोटे दांतों के 300 रोज हो सकते हैं। नंबर 6, बैट। फिलीपींस का एक और जीव काफ़ी प्रसिद्ध है, द गोल्डन क्राउन फ्लाइंग फॉक्स। एक बैट यानी कि चमगादड़, जिसका साइंटिफिक नेम एक्राडोन जुबेटस है। इस जीव की खास बात यह है कि यह प्लैनेट की सबसे लार्जेस्ट बैट स्पीसीज है, जिसका विंग स्पैन 5 फीट 6 इंचेस तक लंबा होता है, जो कि एक आम आदमी की एवरेज हाइट तक का है।
तो अब आप इसके बड़े होने का अंदाजा लगा ही सकते हो। इस छोटे से जीव का वजन 1.6 केजी तक का हो सकता है। आपने छोटे मोटे चमगादड़ जरूर देखे होंगे, पर आज तक आपने इतना बड़ा चमगादड़ कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि ये इंडिया में पाए नहीं जाते, ये फिलीपींस में पाए जाते हैं। नंबर 7, एनाकोंडा। दुनिया के सबसे बड़े सांपों में से एक एनाकोंडा है। ऐसा ही एक एनाकोंडा ब्राजील में पाया गया था। बेलो मोंटे डैम पर पाया गया एक एनाकोंडा जो कि 32.8 फीट यानी कि 10 मीटर्स लंबा था और वजन में 400 केजी तक भारी था। डैम पर काम कर रहे वर्कर्स ने जब एक केव को एक्सप्लोजन से डिस्ट्रॉय किया तब ये 10 मीटर्स लंबा सांप यानी कि एनाकोंडा मिला, जिसके बाद इन्होंने इसे क्रेन से उठाकर निकाला। कुछ लोगों का कहना है कि वो सांप मरा हुआ ही मिला था और कुछ का कहना है कि वहां के वर्कर्स ने इसे खतरनाक समझकर अपनी जान को बचाने के लिए इस एनाकोंडा को मार दिया। ये बात तो आज तक तय नहीं है, पर यह एनाकोंडा की लंबाई अपने आप में ही एक रिकॉर्ड थी। नंबर 8, गोलियाथ बर्ड ईटर, थेराफोसा ब्लॉन्डी, एक गोलियाथ बर्ड ईटर। अब आपको नाम सुनकर लग रहा होगा कि ये कोई बड़ा सा पक्षी खाने वाला जीव होगा। नहीं, दरअसल ये एक स्पाइडर है, 170 ग्राम्स का सबसे मैसिव स्पाइडर, जो कि डायमीटर में 11 इंचेस बड़ा हो सकता है, आपके हाथ जितना बड़ा। ये दुनिया का सबसे बड़ा स्पाइडर है, जो कि आप इस वीडियो क्लिप में ही देख सकते हैं इसका साइज कितना ज़्यादा बड़ा है। ये स्पाइडर अर्थवॉर्म्स, बीटल्स, स्नेक्स, लिजार्ड आदि चीज़ें खाता है। ये स्पाइडर साउथ अमेरिकन रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है और फीमेल स्पीसीज लगभग 20 साल तक जीवित रह सकती हैं। इनके फैंग्स काफ़ी जहरीले होते हैं। इसका जहर इतना ज़्यादा जहरीला नहीं है कि ये एक इंसान को मार सके, पर हाँ, दर्द तो ज़रूर दे सकते हैं। नंबर 9, बिग जेक। बिग जेक वर्ल्ड टॉलेस्ट लिविंग हॉर्स है। बिग जेक एक रेड फ्लेक्सिन बेल्जियन हॉर्स है जिसको इसकी हाइट के लिए जाना जाता है। इसकी हाइट 20.3 हैंड्स यानी कि 210.2 सेंटीमीटर्स तक की है और इस हॉर्स का वजन 1133 केजी तक का है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का कहना है कि 2010 में बिग जेक ने वर्ल्ड टॉलेस्ट लिविंग हॉर्स का किताब हासिल किया और 2008 तक उसे ये किताब दिया गया। बिग जेक का जन्म 2001 में यूएस के एक स्टेट नेब्रास्का में हुआ था, जहाँ इसके ओनर जेरी गिलबर्ट ने इसे खरीदा। 2013 में रिटायर होने के बाद बिग जेक विस्कॉन्सिन में है। नंबर 10, पिटबुल। हम अक्सर अपने कुत्तों के अनोखे नाम रखते हैं और ऐसे ही मार्लोन ग्रैनन ने अपने पिटबुल का नाम हल्क रखा, इसलिए नहीं कि वो फ्लफी या टाइनी है, बल्कि वो अब तक का सबसे बड़ा जीवित पिटबुल है। हल्क 17 महीने का था जब उसका वेट 78 केजी तक बढ़ चुका था और बढ़ी जा रहा था। जहां आम पिटबुल का वजन 16 से 30 केजी तक का होता है, वहीं हल्क का वजन उससे 4 गुना ज़्यादा है। इतना वजन भी कुत्तों के लिए हानिकारक माना जाता है और इसकी वजह से उनकी उम्र भी कम हो सकती है, पर हल्क ने इसके बावजूद भी पपीज को जन्म दिए। हल्क इतना बड़ा है कि वो बच्चों को भी अपने ऊपर सवारी दे सकता है, लेकिन उसकी देखरेख में उतनी ही मुश्किल होती है। इसके ओनर का कहना है कि अपनी ट्रेनिंग के कारण वो काफ़ी फ्रेंडली है अगर उसे छेड़ा ना जाए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और इन्फो अनलॉक्ड को सब्सक्राइब कर दीजिए।